हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज रेखा मैम। एंड आप जानते हैं ये दाल है, आप ये सब जानते हैं कैसे चना दाल हम लोग भिगो के उसको करी बना के खाते हैं। चना दाल को भिगो के रखी हूँ ताकि इसका मैं पकौड़ा बना सकूं, ठीक है। तो इसका पकौड़ा बनाने के लिए मैं इसको भिगो के रखी हूँ। अब थोड़ी देर के बाद जब ये फूल जाएगा तो इसको मैं क्या करूंगी, इसमें मैं कच्चा मिर्च, देख सकते हैं आप, कच्चा मिर्च, ठीक है। एंड उसके साथ क्या होगा, करी लीफ मीन्स कड़ी पत्ता, ठीक है, एंड अदरक, ठीक है। आप चाहें तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं स्मेल के लिए, लेकिन मैं लहसुन नहीं डालूंगी क्योंकि मैं सिर्फ इसमें करते समय प्याज को टुकड़ा टुकड़ा और बारीक बारीक काट के मिक्स करके मैं इसको तलूंगी। इसको हम लोग यहाँ पे हमारे भुवनेश्वर में, उड़ीसा में, इसको प्याजी बोलते हैं, ठीक है। ये जो चना दाल का पकौड़ी है इसको प्याजी बोलते हैं। इसमें प्याज डाल के हम लोग तलते हैं इस पकौड़ी को, ठीक है। तो आज मैं आपको यही सब सिखाने के लिए रेडी हूँ। आप लोग भी रेडी हो जाइए जानने के लिए कि चना दाल को कैसे पकौड़ा बना के खाते हैं और कितना स्वादिष्ट होता है ये। आप तो जानते भी होंगे कि चना दाल से बेसन भी बनता है, लेकिन डायरेक्टली चना दाल को ऐसे भिगो के भी चलो उसको बांट के पीस के ग्राइंडर में सब मिक्स करके पकौड़ा खा सकते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं मैंने जो चने का दाल वही भिगोया था उसमें मैंने आपको जैसे बताया था कि अदरक, कच्चा मिर्च और जो कड़ी पत्ता, वो देखिए मैंने इसको पीस के रख दिया है। आप देख सकते हैं चने के दाल को मैंने पीस के रख दिया। अभी मैं इसमें दोबारा प्याज काट के डालूंगी। इसको हम, ठीक है, उड़ीसा में इसको प्याजी बोलते हैं। क्यों प्याजी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर करके ज्यादा से ज्यादा प्याज दिया जाता है। मैं इसमें अभी नमक और प्याज डाल के, नमक डाल चुकी हूँ, अभी प्याज डाल रही हूँ। अब देख रहे हैं जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा प्याज देने से इसका टेस्ट और भी अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है ये। और इसको ये प्याज और कच्चा मिर्च थोड़ा सा और मैं देना चाहती हूँ क्योंकि हम लोग अभी तीखा खाना चाहते हैं थोड़ा टेस्ट के लिए। और इसको मैं अभी तेल गर्म की हूँ कढ़ाई में, आप देख सकते हैं मैं अभी इसको तलूंगी। आप देखिए अभी बन जाएगा हमारा चने दाल का पकौड़ा, या फिर आप बोल सकते हैं प्याजी। तल रही हूँ, जब पूरा हो जाएगा तो इसको निकाल के आपको दिखाऊंगी। ओके, देख सकते हैं इसका एक तरफ हो गया है लाल लाल। हम इसको कलर देंगे दूसरी तरफ। थोड़ा देख के तलिएगा, तेल का कढ़ाई है। खाना पीना जो भी हो वो अलग बात है, खाना बनाना अलग बात है, और हर चीज में सेफ्टी देखना भी अलग बात है, ठीक है। तो जो भी आप तलेंगे या तेल का काम करेंगे, तेल पे कढ़ाई उठा के कसते समय थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि कुछ दुर्घटना ना घटे। देखिए, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, बन गया है आपका चने दाल का पकौड़ा और प्याजी, जो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। कितना सुंदर लग रहा है, आप देखिए।